गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। हम एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं और ये आज की क्रिसमस सीरीज की ये लास्ट वीडियो होगी, तो ये मैं कंटिन्यू करूंगा आज 24th जो क्रिसमस ईव है, 25th, और ये वीडियो आएगी 26th मॉर्निंग को, ताकि हम आपको 24th और 25th जो भी हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें दिखाएं। फिलहाल तो बस मैं उठाऊँ और जैसे आप देख पा रहे हो अभी मैं बेड लगा रहा हूँ। ये लगाने के बाद फिर थोड़ी शॉपिंग करनी है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, तो चलो लेट्स टेक यू। हे गाइस, मैरोली की गलियों से निकलते हुए हम जा रहे हैं मैरोली की सब्जी मंडी, क्योंकि कल क्रिसमस है और बहुत सारी चीज़ें बननी है, तो उसके लिए काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह मंगाई हैं। तो बस अभी जा रहा हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने, फिर आते हैं और उसके बाद देखते हैं और क्या बचा हुआ है और वो चीज़ करते हैं। तो हम लोग आ गए मैरोली की सब्जी मंडी, चलो हम अपना काम पूरा करते हैं। फिलहाल मेरा एक पूरा वाइड शॉट मैरोली की सब्जी मंडी का, जिसने नहीं देखा हो। तो गाइज ये चल रही है कल की तैयारी, कल बनने वाला है इडली डोसा वड़ा सांभर। तो अब ये जो सब्जियां लेने गया था वो यही सारी चीज़ें लेने गया था। ये रहा इडली और ये वड़े का वड़ा, वड़े वड़े जो भी बोलते हैं, ये उसका वो है, ये वो गोल गोल जिसमें छेद होता है वो वाला, और ये मसाला वाला। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, बाकी तो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि जब बन के तैयार होता है तो कैसा होता है। एक गाइस, मैं सब्ज़ी वगैरह तो लेके वापस आ ही गया और अभी थोड़ा और प्लान है। अभी हम जाएंगे आई थिंक क्रिकेट खेलने, और उसके बाद रात को मेरे कज़न के घर पे एक छोटी सी क्रिसमस पार्टी है, तो हम उसमें भी जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस लास्ट वीडियो को अब दो में डिवाइड कर दूँ, एक कल और एक परसों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक साथ ही डालूंगा। तो यही करने वाला हूँ आज, जो भी करेंगे हम कल मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, और स्पेशली जो क्रिसमस 25th को है तो मैं वो 26th को डालूंगा। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि अगर एंड ऑफ द वीडियो मैं बोलता कि भाई ऐसा करने वाला था, उसे तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता। एक और चीज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ अभी से अभी वो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे मेरी वीडियो उतनी यूट्यूब एल्गोरिथम में ऊपर आएगी, एंड होपफुली और लोग देखने की कोशिश करेंगे उसको। सो प्लीज़ जो भी अभी तक देख चुके हो आप, प्लीज़ अभी के अभी लाइक दबा दो उसके अंदर। और बाकी चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी फिलहाल हमने जाना है। एक्चुअली हमारे बैट वगैरह तो है नहीं, सब खराब हो चुका है, तो अभी हम बैट खरीदने जा रहे हैं, बैट बॉल लेंगे और उसके बाद खेलने जाएंगे, और उसके बाद रात को हम लोग जाएंगे बारबेक्यू पार्टी में। तो चलो हम बैट लेने चलते हैं, और हम जा रहे हैं मेरे जीजू के यहाँ पे, उनकी अपनी शॉप है एक स्टेशनरी की, तो बैट वगैरह भी रखते हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं उसको लेने। बस भाई लोग हम लोग जा ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, निकल के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं भैया की दुकान पे जाने के लिए, और वहीं से हम अपना भी बैट बॉल वगैरह लेंगे और फिर वापस आएंगे, और लड़के वेट कर रहे हैं ऑलरेडी हमारा खेलने के लिए। तो देखते हैं, आज हिरेन हमारे साथ है और हम इन्हीं के हेलो हेलो हाँ, तो वापस तो ये हिरेन के पापा ही हैं विजू भैया, तो उन्हीं की शॉप पे, मतलब इसी की शॉप पे हम जा रहे हैं अभी बैट बॉल लेने। हम जैसे घर का पैसा घर पे ही आ जाए ना, तो इसी चक्कर में हम शॉप पे जा रहे हैं लेने, और फिर अब दो तीन बंदे हमारा वेट कर रहे हैं ऑलरेडी रिच कैसल में, तो हम वापस बैट लेके पहुंचेंगे वहां पे और फिर हम अपना क्रिकेट शुरू करेंगे। तो गाइज हम पहुंच गए शॉप पे। हाँ हाँ, नहीं मैंने बताया कि हम कुछ सामान लेना है, तो घर का पैसा घर पे आना चाहिए ना, तो हम यहीं आए हैं सामान लेने, मतलब मैरोली से हम यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग आ गए गाइस शॉप पे आ गए, देख सकते हो ये विजय भैया हैं, ये है हिरेन के पापा, और इनकी स्टेशनरी है। कहाँ पे भाई बता दे, शाहपुर जट में इनकी स्टेशनरी है, काफ़ी टाइम से है, काफ़ी लोग इनको जानते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई आस पास रहता है तो प्लीज़ इनको विजिट करें और इनसे, हाँ हौस खास। तो बस हम आ चुके हैं देख लो, और बस अभी हम लेंगे इसमें से एक बैट और कुछ बॉल लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए अब हम जब घर पहुँचेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं हमने क्या लिया। तो गाइस हमारे क्रिकेट मैच के लिए सामान तो आ चुका है, तो हम लेके आए हैं ये एक विकेट जो हम इंडोर खेल सकें, हम नीचे भी खेलते हैं कभी कभी, बहुत लंबा कॉरिडोर है, आप देख सकते हो छत इतनी लंबी है तो कॉरिडोर कितना लंबा होगा, तो हम नीचे भी खेल लेंगे। और हम बैग भर के महीने भर के लिए बॉल भी ले आए, और हमने फिर ये एक बैट भी लिया है, क्योंकि कल जिस बैट से खेल रहे थे वो तो जलने लायक नहीं है, तो खेलने के क्या लायक होगा, तो हम ये बैट भी ले आए। तो बस अभी लड़कों का वेट कर रहे हैं, देखो कितने लोग आते हैं, और बस खेलना शुरू। तो बस अभी थोड़ी बहुत ट्राई बॉल्स खेली जा रही हैं, ट्राई बॉल मैं दिखाता हूँ, बहुत दिन हो गए ऐसे खेले हुए, लेकिन टेनिस में तो हम चैम्पियन थे। तो करा भाई एक फास्ट बॉल,
अरे लोग हमें देख के वैसे ही डर जाते हैं, क्या क्या बोलूं। एक और बॉल दिखा दो भाई, थोड़ा सीधा तो डाल यार, बैट पकड़ा नहीं तू, कांप रहा है यार। राउंड टू, दूसरी बॉल डालेगा, पहली बॉल में तो डर गया वो, वाइट डाल दी। दूसरी बॉल ठीक थी, दूसरी बॉल मेरी बॉडी पे लगी, अब तीसरी बॉल। छक्का छक्का सिक्स, तीसरी बॉल पे सिक्स। अब वेट करते हैं बाकी लोगों का आने का, वरना बॉल मैं ही खो दूंगा। तो भाई लोग टीम बट चुकी है, ये तीन बंदे एक तरफ, ये एक छपरी बॉय एक तरफ, ठीक है, और ये हिरेन मैं और गौरवी हम एक तरफ। भाई पहला मैच जीत चुके हैं हम छपरी बॉयज से, ठीक है, पहला मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीता, उन्होंने सिर्फ चार रन मारे, हमने पांच मार के हम जीत चुके हैं। अब उनकी टीम में कोई नए खिलाड़ी आए हैं, अब देखो वो लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, होपफुली हम ये मैच भी जीत जाएंगे। ये उनकी नई एक नया टीम मेम्बर है जो लाल में घूम रहा है, तो देखो कुछ करता है कि नहीं करता। बाकी ये अमन छपरी तो वाइट बॉल डालता है बस, उसके बस की कुछ नहीं है। भाई लोग दूसरे मैच की पहली इनिंग्स भी ख़त्म नहीं है, हमने 15-16 रन मार लिए और अभी भी एक ओवर बचता है, तो ऑब्वियसली हम ये मैच जीतने वाले हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो अभी सनलाइट जा चुकी है, तो हम क्या करते हैं, अब ये मैच तो चलो हम जीते जाएंगे, अब मैं सीधा आपको, हेलो निखिल, अब मैं सीधा आपको डैनी के घर पर जाके मिलता हूँ, जब रात को हम क्रिसमस बारबेक्यू पार्टी करेंगे, ठीक। हे गाइस, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। एग्जैक्टली अभी 12 बज रहे हैं और क्रिसमस हो चुका है। मैं डैनी के घर पे हूँ यहाँ पे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बारबेक्यू के लिए आग जला लें, और वो अभी हो नहीं रहा है, तो लेट्स सी कि आग कब लगती है और कब हम खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। फिलहाल इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जो कि क्रिसमस डे का वीडियो होगा, जो कि 26th को आएगा। सो कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चलो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन पीस आउट। We'll be right back.